काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। कहते हैं जो भी काशी की तपोभूमि में एक बार आया वो यहीं का होकर रह गया। बीते 5 वर्षों में मैंने भी प्रतिपल इसका अनुभव किया है। साथियों, मेरे राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन को दिशा देने में, मुझे गढ़ने में काशी का बहुत बड़ा योगदान मैं अनुभव कर रहा हूं। काशी मेरे लिए सिर्फ 2 अक्षर नहीं, बल्कि मेरे रोम रोम में बसी अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अविरत प्रेरणा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे एक सेवक के रूप में काशी की पवित्र भूमि पर काम करने का अवसर दिया। भाइयों और बहनों, जिस काशी पर बाबा विश्वनाथ मोहित हो, उसे किसी की क्या आवश्यकता है। पर मेरा जीवन काशी और काशीवासियों के कुछ काम आ सका, इसका मुझे संतोष है। काशी के धार्मिक और ऐतिहासिक महात्म्य में एक इंच भी जोड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। मेरी काशी के लोगों ने मुझे ये मौका देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 5 वर्षों में जन भागीदारी के साथ वाराणसी शहर विकास की जिस नई राह पर चल पड़ा है, वो देश के लिए एक मिसाल है। साथियों, आवास हो या शौचालय, मुफ्त LPG हो या बिजली कनेक्शन, वाराणसी ने हर क्षेत्र में आदर्श उदाहरण पेश किया है। दीनदयाल हस्तकला संकुल के निर्माण से जहां हस्तशिल्पियों और बुनकरों के परंपरागत हुनर को विश्व के बाजारों में जगह मिली, वहीं 2 नए कैंसर अस्पताल न सिर्फ काशीवासियों के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए राहत बनकर आए हैं। भाइयों और बहनों, जहां रजक समाज के लिए घाट का निर्माण किया गया है, वहीं किसान, उद्यमी, व्यापारी, युवा और काशी किसान, हमारे गंगा पुत्र यानी मल्हा भाई बहनों के लिए विकास के लिए भी हर तरह के प्रयास किए गए हैं। चाहे बाबतपुर से नगर तक की 4 लेन सड़क हो या रिंग रोड हो, मंडुआडी स्टेशन हो या फिर गंगा जी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर पैमाने पर वाराणसी आमूल चूल परिवर्तन का गवाह बना है। विकास ही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काशी ने एक नई लकीर खींच दी है। बाबा विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा के दर्शन हो, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो या फिर काशी के घाटों की रौनक, हर कोई आज काशी के इस रूप से अभिभूत है। आज जब
दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी काशी की प्रशंसा करते हैं तो हर हिंदुस्तानी का मन प्रफुल्लित हो उठता है। साथियों, काशी की महिमा अपरंपार है, इसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। जब मैंने काशी पर लिखने के लिए अपनी कलम उठाई तो कुछ ही शब्द मैं लिख पाया। पुरातन, पुनीत, परिमल काशी। पुरातन, पुनीत, परिमल काशी, अडिग, अप्रतिम, अविरल काशी। अडिग, अप्रतिम, अविरल काशी, निरंतर, निर्विघ्न, निर्मल काशी। निरंतर, निर्विघ्न, निर्मल काशी, विशिष्ट, विकसित, विमल काशी। विशिष्ट, विकसित, विमल काशी। साथियों, पिछले 5 वर्षों में हम सब ने मिलकर बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है और मिलजुल के करना है। हमारा संकल्प है कि विकास की इस गति को थमने नहीं देना है। भाइयों और बहनों, इस बार जब मैं नामांकन करने आया था तो रोड शो के बाद आप ही लोगों ने मुझे आदेश दिया था कब आप मत आइए, सब कुछ हम संभाल लेंगे। और मुझे पता है, मुझे आपके शब्दों पर विश्वास है। मेरे लिए आपके वो शब्द नहीं थे, वो वादा था। और पिछले कई दिनों से मुझे खबर जो मिल रही है, आप सब जी जान से लगे हैं। मुझे पता है कि हर काशीवासी आज स्वयं में नरेंद्र मोदी बनकर चुनाव लड़ भी रहा है, चुनाव लड़ा भी रहा है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, जिसको मैं गिना भी नहीं सकता हूं। हर काशीवासी सबको जानता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2019 में आप भी लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में जरूर शरीक होइएगा, वोट देने अवश्य जाइएगा। इतना ही नहीं, अपने आस पड़ोस, परिवार, साथियों को, सभी को वोट करने के लिए प्रेरित भी करिएगा। और क्यों ना हम उत्सव के रूप में मतदान करें। सारा देश काशी की तरफ देखता होगा उस दिन। अपनी परंपरागत वेशभूषा हो, गाजे बाजे के साथ निकले, चमक दमक के साथ निकले, काशी की पहचान बनाते निकले। देश और दुनिया टीवी पर उस दिन आपको देखती होगी। और हां, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। और मेरा तो आग्रह रहेगा कि पहले मतदान फिर जलपान, सुबह सुबह 10 बजे के पहले मतदान कर दीजिए, उतनी गर्मी भी नहीं होगी। और मतदान के बाद आप लोग सेल्फी खींचे बिना रहने वाले नहीं हो, मुझे मालूम है। आप सेल्फी जरूर खींचेंगे। आप उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर जरूर डालिएगा। मेरी सारी दौड़ धूप में भी बीच बीच में मैं आपको देखूंगा, आपकी तस्वीर देखूंगा, और एक प्रकार से परोक्ष रूप से आपके आशीर्वाद भी प्राप्त करूंगा।
मन को एक बहुत बड़ा आनंद होगा। और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए भी नहीं, काशी के लिए। जब पूरा हिंदुस्तान काशी की तरफ देख रहा हो, तो काशी ने मतदान में भी नया रिकॉर्ड बनाना ही चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के रिकॉर्ड काशी क्यों न तोड़े। मुझे विश्वास है काशी के दिल में कमल है, वो कमल के निशान पर बटन भी दबाएगा, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा भी बनेगा और कमल के निशान पर बटन दबाकर हर काशीवासी सिर्फ मुझे आशीर्वाद देगा ऐसा नहीं है, भारत के भाग्य को बाबा विश्वनाथ की धरती से अंकित करेगा। बस इतना ही। और मैं तो काशीवासी बन गया हूं तो हर हर महादेव, हर हर गंगे। धन्यवाद।